हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। आप भी प्रणाम कीजिए और मैं भी करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु सब पे दया बना। और मैं बड़ी मुश्किल से ये ढूंढी हूँ ये इलाका आप लोगों के लिए। आपको बताऊँ, ये इलाका इतना क्राउडेड मेट्रो सिटी के बीच में है और कितना शांत है। बहुत ही, आप बिल्कुल नॉइज नहीं सुन पा रहे होंगे कहीं से भी। राधा कृष्ण का टेंपल है, इस्कॉन का टेंपल है ये। और दृश्य आपको मैं दिखा रही हूँ आप सामने, पूरा सिर्फ नेचर्स का आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी चिड़ियों का आवाज़ आप सुनिए, वो तक सुनाई दे रहा है। इतनी शांति है, इतनी खामोशी है यहाँ पर, इतना अनुपम दृश्य है ये। और मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ। पहले आप भरपूर आनंद ले लीजिए यहाँ के दृश्य का, यहाँ के शांति का, यहाँ के नेचर्स का, बंदरों का। बहुत ही बंदर है यहाँ पर। मोर की आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, मोर, छोटी छोटी चिड़ियाँ। लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो डर भी लग रहा है कि कहीं बंदर आकर मोबाइल ना ले जाए, लेकिन मैं थोड़ा सावधानी बरत करके ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं पूरी कोशिश की थी कि ये देखने में आऊँगी। एक डिवोटी है यहाँ पे राधा कृष्ण जी का, और ये पूरा प्रांगण है उसका जो आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक। कितनी शांत वातावरण है। मुझे तो लगता है यहाँ हफ्ते में एक दो दिन निश्चित ही आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। और अपने उन्मादक जो मानसिकता है ना, मेंटलिटी है ना, माइंड है, उसको अगर सुकून देना चाहते हो तो इस जगह आकर के बैठ जाओ बस। कैसा लग रहा है आपको, आप लोगों को ये दृश्य? मैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये दृश्य मैं आपको बता दूं, कमेंट में आपको मैं लिख दूंगी कि ये कहाँ का है। डिस्क्रिप्शन में मैं ये शेयर कर दूंगी कि ये टेंपल कहाँ की है। और आप लोगों के लिए आसान भी हो जाएगा। अगर आप नेचर्स के लवर हैं, शांति के लवर हैं, आपको चाहिए कभी कभी, अगर आप पीस ढूंढते हैं कि सुकून चाहिए, तो भागती हुई शोर शराबा की ज़िंदगी में भी आप एक दो पल के लिए यहाँ आकर के बिता सकते हैं अपने परिवार के साथ। क्योंकि ये जगह परिवार को लाने लायक ही है। भक्ति का जगह है, सत्संग का जगह है। यहाँ पर एक अलग ही खुशी मिलती है। भले यहाँ पे आप क्राउड देखिए, बिल्कुल क्राउड नहीं है, कोई भी नहीं है। एक दो डेबोटीज़ के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। हाँ, बंदरें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बंदर है जहाँ तक मैं सुन पा रही हूँ। चिड़ियों की चुनचुनाहट सुनाई दे रही है। एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकती कि ये कौन सी चिड़ियाँ की आवाज़ है, लेकिन अद्भुत है, अद्भुत। मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगी इस जगह का नाम, आप लोग चौंक जाएंगे। हाँ, जो शोर शराबा पसंद करते हैं शायद उन्हें ये जगह ना पसंद आए, लेकिन मैं बता दूं कि मुझे इसलिए पसंद आता है इस तरह का जगह, ताकि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। ये चिड़ियों की चंचनाहट, बंदरों की किकलाहट, मोर बोलते हुए, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हरे भरे पेड़ पत्तियाँ, ये सब, इन चीज़ों के बीच में झरना, पहाड़, इन चीज़ों के बीच में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली वो जगह जहाँ क्राउड कम जाती हो, भीड़ कम हो। तो मैंने भीड़ों से हट के ये जगह ढूंढा है बाहर, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं वैदिक काल में चली गई हूँ, पुराने ऋषि मुनि के टाइम वाले जो आश्रम होते हैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। इसी तरह के कुटी सब हुआ करता था। तो इन कुटियों में, मतलब इन आश्रमों में ऐसे ही शांति का वातावरण होता है। फिर कुटी वगैरह छोटे छोटे बने होते हैं,
ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैं तो टीवी टेलीविज़न में ही ये सब दृश्य देखी हूँ, उस युग की तो हूँ नहीं, तो ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि जैसे मैं वैदिक काल में चली गई हूँ। डर भी लगता है मुझे क्योंकि यहाँ बंदर बहुत उछल कूद मचा रहा है, तो मुझे डर लगता है कहीं पीछे से हमला ना कर दे, लेकिन प्रभु की कृपा होगी तो शायद सेफ रहूँ और सेफली क्रिएट करूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो मुझे कमेंट में भी आप लिखिए कि ये कौन सा जगह है। ये राधा कृष्ण स्कॉन टेम्पल है और आप आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आसमान में आवाज़ सुनाई दे रही होगी एरोप्लेन का। चलते हैं मंदिर के प्रांगण में क्योंकि उस वक्त मंदिर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। और बंदर को देखिए, छिप गया ये डर के मारे, अभी इसे प्यास लगी थी। कोई बात नहीं, हम पीछे के मार्ग से मंदिर जाएंगे। ओ, अभी मैं बंद कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए कैमरा। मैं यहाँ के इस्कॉन के पुजारी से बात करके यहाँ वीडियो शूटिंग का आज्ञा ली हूँ, तो मैं थोड़ा आप लोगों को भी नज़दीक से दिखा दूँ। भक्के बिहारी राधा कृष्ण श्री श्याम और जो भी नाम बुलाए इनके। मैं मंदिर के अंदर में थी, प्रांगण में थी, तो थोड़ा देर के लिए मैं भी भक्ति भाव में चली गई थी, तो शूट नहीं कर पाई मैं, नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मुझे लगा कि नहीं मंदिर आई हूँ तो बिना कैमरा शूट किए भक्ति भाव में। और ये पीछे मेरे जो है टेंपल है राधा कृष्ण जी का, देखिए लग रहा है ना आप सबको कि वैदिक काल में हम चले गए हैं, जहाँ जब विश्वामित्र मुनि सब हुआ करते थे, वशिष्ठ जी हुआ करते थे, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो हुआ करते थे। तो ये जगह कितना खूबसूरत दृश्य है, ये मैं तो बहुत ही आनंदित हो रही हूँ। बहुत से लोग आए होंगे, निश्चित ही यहाँ पर आए होंगे बहुत से लोग, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट डिस्क्राइब कर दूंगी कि ये जगह कहाँ पे है, और जो यहाँ के लोकल हैं, जिस जो इसके नज़दीक के हैं और उन्हें नहीं पता है कि ये उनके आसपास ही है, तो वो ज़रूर आएंगे यहाँ जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद। और जिन्हें पता है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा जगह है। मैं एक क्लू आपको दे रही हूँ कि ये मेट्रो सिटी के भीतर है, कोई गांव ग्रामीण इलाका का नहीं है, रूरल इलाका का जगह नहीं है, ये मेट्रो सिटी के अंदर का ये क्षेत्र है। तो बताइए, अब गेस कीजिए, राधा कृष्ण का टेंपल है और इतना शांति और इतना सुकून मेट्रो सिटी में, तो आप लोग गेस कीजिए और मुझे बताइए। और बहुत अच्छा वीडियो बन चुका है आज के इस ब्लॉग में। मैं बाइक ड्राइव करके आई थी तो हेलमेट लगाई थी, इसीलिए मैं ये लगाई हुई हूँ। तो ठीक है, इस ब्लॉग में इतना ही। राधे कृष्णा, आज क्योंकि राधे कृष्ण के टेंपल आए हैं तो राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं अलग अलग ऐसे ही शांति वाला जगह, शांति का जगह ढूंढ करके आप लोगों के लिए लाऊंगी, ब्लॉग बना करके दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ, जा रही हूँ, और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वही राधा कृष्ण का मंदिर है, वही राधा कृष्ण का मंदिर।
जगह सब सभी दृश्य आप देख रहे हैं। सामने ये दो गैया है। अब इस नज़ारा से आपको क्या लग रहा है कि ये है क्राउडेड एरिया, यहाँ कोई आ भी सकता है? ये देखो कान्हा को। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं। शाम हो चुकी है, संध्याकालीन है, अब यहाँ से निकलते हैं।